Hey guys, welcome back to the channel. Hope you are doing absolutely well. And आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली लॉन्च हुए फोन के बारे में जिसका नाम है IQOO Z6। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 2 से 3 दिन हुआ है जब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाल दिए और इंडिया में भी अभी कुछ ही दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। हालांकि ये फ़ोन मेरे को अच्छा लगा है, मतलब जिस प्राइस पे आया है डेफिनेटली वहाँ पर एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट पैकेज है उस प्राइस में। ऑब्वियस ही बात है कि 15,000 में आपको आज की डेट में कंप्लीट पैकेज तो मिलने ही वाला नहीं है। मार्केट पूरी चेंज हो चुकी है स्मार्टफोन के मामले में। अब जो चीज़ हम लोग 15,000 के सेगमेंट में पहले मिल जाती थी वो आज के टाइम पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जो चीज़ें हमें पहले 15,000-16,000 में देखने को मिल जाती थी वो चीज़ें आज हमें 20 से 25 की रेंज में देखने को मिल रही हैं। IQOO Z6 फिर भी हमें अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि अगर हम IQOO Z6 की स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले जो है आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 6.58 इंच की देखने को मिल जाती है। साथ के साथ यहाँ पर 240 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको टच सैम्पलिंग रेट वगैरह देखने को मिल जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। 5000 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा कम है भाई, यहाँ पर ऑलमोस्ट 33 वॉट का या फिर 30 वॉट का चार्जर एटलीस्ट होना चाहिए था। आजकल लगभग सारी रियलमी शाओमी जितने भी बजट फ़ोन्स हैं सब इतने तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो ये एक चीज़ बोलूँगा कम यहाँ पर दे रखी है। इसके साथ यहाँ पर एक्सटेंड करने के लिए रैम वगैरह वो चीज़ फ़ीचर मतलब एक गिमिक फ़ीचर होता है भाई, वो तो मतलब दे ही रहे हैं। 5 लेयर की यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी 2 मेगापिक्सल के सपोर्टिव कैमरा हैं, उनका कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। बस इतना मान के चलो कि 50 मेगापिक्सल का सिर्फ एक सिंगल कैमरा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नाम का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बट यहाँ पर जो मेन कैमरा सेंसर है एक वही यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड सबसे अच्छी बात इस फ़ोन में मेरे को बस एक ही चीज़ लगी कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बस इस प्रोसेसर के साथ अगर ये लोग बैंड्स ज़्यादा दे देते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। यहाँ पर सिर्फ आपको इस फ़ोन में 5G के नाम पर 2 बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ अ गिमिक लगता है। अब ये अच्छी बात होगी कि वही 2 5G बैंड यहाँ पर इंडिया में देखने को मिल जाए, N78 77 शायद है, वो बैंड अगर इंडिया में देखने को मिल जाएंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। हालांकि और भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं जिन्होंने यही दोनों बैंड्स अपने फ़ोन्स में दिए हैं, इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों बैंड्स इंडिया में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है, बट फिलहाल यही 2 बैंड्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस फ़ोन के बारे में सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देने वाला हूँ कि आपको इस फ़ोन को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाती है, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जो कि ये यहाँ पर सबसे पहला कि यहाँ पर जो चार्जर है वो 18 वॉट का चार्जर ना होकर के थोड़ा सा अच्छा चार्जर होना चाहिए था, 30 से 33 वॉट के चार्जर तक एटलीस्ट यहाँ पर देना चाहिए था। रही बात दूसरी चीज़ रही कि यहाँ पर बैंड्स थोड़ा ज़्यादा देने चाहिए थे, एटलीस्ट 8 से 10 बैंड देने चाहिए थे इस फ़ोन में। अब इस फ़ोन की यहाँ पर जो प्राइस रखी है वो 13,999 रखी है, मतलब 14,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा अगर आप कार्ड का यूज़ करके डिस्काउंट वगैरह ले लेते हो तो। एंड अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो फिर ये वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाता है, बिकॉज आपको वीवो का T1 भी इसी प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। तो फिर दोनों में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। एक और इस फ़ोन में मुझे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पर आपको ये फ़ोन एंड्रॉयड 12 के साथ देखने को मिलता है, तो आपको जो अपडेट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब 13-14 तक अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर T1 की बात करें तो देखो यार, T1 भी काफ़ी सिमिलर फ़ोन है, आप ये कह सकते हो ये इसकी रेप्लिका बनाई गई है, कि बस नाम चेंज करके यहाँ पर जो है वो IQOO Z6 के नाम से ये फ़ोन जो है वो इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। एंड बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि IQOO Z6 जो है वो Z5 का सक्सेसर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Z6 जो है वो बिल्कुल भी सक्सेसर नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूँगा प्रेडिसर है, बिकॉज यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है वो स्नैपड्रैगन का 695 है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 4 लाख से ऊपर तक अंततु जा रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके देने वाला है। अभी तक जितने भी स्नैपड्रैगन 695 के साथ आए हैं उसमें इतना अंततु गया ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये गेमिंग को लेकर के काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। इसको बूस्टअप भी किया गया है थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे कि 778 के हिसाब से परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे दे भाई, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज IQOO Z5 में आपको स्नैपड्रैगन 778 देखने को मिल जाता है, एंड जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी वहाँ पर देखने को मिल जाती है, वाइड एंगल कैमरा वगैरह भी देखने को मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस है अगर आप इन कंपेरिजन टू देखो।
बट उसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब 23,000 के अप्रॉक्स वो देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट वो 25,000 का लॉन्च हुआ था बट कार्ड वगैरह लगा कर 23,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। रही बात IQOO Z6 की, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सक्सेसर नहीं है, प्रेडेसर ही मान के चलो, बट हाँ अगर आप इस प्राइस के हिसाब से इसको कंसीडर कर रहे हो, डेफिनेटली एक अच्छा फ़ोन है। मेरे को काफ़ी दिनों बाद मार्केट में कोई ऐसा फ़ोन दिखा जिसको मैं आपको मतलब रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ भाई आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। थोड़ा सा पुराना टाइप का लगता है, मतलब जो सामने से डिस्प्ले है उसकी चिंस थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, पंच होल डिस्प्ले के साथ आता तो अपडेटेड लगता बट यहाँ पर ये डेटेड लगता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इस फ़ोन में देखने को मिलती हैं, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर वगैरह भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, माइक की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी देखने को मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको बढ़िया देखने को मिल जा रही है। बट जो कमियाँ थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, यही कुछ कमियाँ देखने को मिल जाती हैं। बाकी हाँ पैसे के हिसाब से डेफिनेटली एक अच्छा फ़ोन मार्केट में देखने को मिला है। आप प्रोसेसर, आप एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन की तरफ जाना चाहते हो 15,000 के अंदर, तो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो। होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन था मेरी तरफ से कि आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए इस प्राइस पे या फिर नहीं। देखो तो स्पेक्स वगैरह तो काफ़ी सारे लोग बता देते हैं, सब लोग अपना बता देते हैं ओपिनियन, लेकिन जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो क्या होना चाहिए एक फ़ोन के बारे में वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी कैमरा वगैरह की क्वालिटी डिसेंट है, ये सारी चीज़ें आप किसी की भी अनबॉक्सिंग उठा करके देख सकते हो, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक है, अगर आपको परचेज करना है फ़ोन तो आप नीचे बाय लिंक से परचेज कर सकते हो, बेस्ट बाय लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक है, जा करके फॉलो ज़रूर से कर लेना। बाय।